ना तेरे के पास पार्टी जाती। अय्यर भी आ गया। लाइए लाइए अय्यर भाई, लाइए दीजिए। अरे अय्यर भी आ गया और आइस भी आ गया। चलो अभी शुरू करते हैं। बैठो बैठो अय्यर भाई, आइस आ गया वो ठीक है, लेकिन आइस का क्या, आइसक्रीम बना के खाएंगे? मेन चीज तो अभी बाकी है। अरे जयडा अभी तक आया नहीं? नहीं। अरे मैन आइटम तो वो लेकर आने वाला है ना। वही तो। अरे आ गए भाई दोस्तों। जेठाल भी आ गया। अरे वाह जेठाल, कहाँ जेठाल? अरे भाई ये सवाल आपको नहीं हमें आपसे पूछना है, कहाँ है जेठालाल? अरे भाई मुझे क्या पता कहाँ है जेठालाल, मैं तो घर से आ रहा हूँ, मुझे लगा जेठालाल तो सबसे पहले पहुंच गया होगा, मैं ही लेट हूँ। ये जेठालाल कहाँ रह गया भाई? अभी ये डिस्कशन छोड़ो और जेठालाल को बुलाओ। हाँ भाई जल्दी। ओ यारो फिकर नॉट, ओ मैं अभी जाता हूँ, जेठा का और बोतल दोनों को लेके आता हूँ। मैं भी चल जाए भाई, मैं भी चलता हूँ साथ में। तुम दोनों को आने की जरूरत है? ओ मैं बोतल लेने जा रहा हूँ, बारात निकालने नहीं जा रहा हूँ। इसमें भारत कहाँ से आई भाई? अरे भाई बैठो बैठो भाई, वो ठंडे ताके यार। बैठो बैठो चल चल तो मैं तो बैठो 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 मजा आ जाएगा जी। आ जाए ओ जेठापरा। अरे कैसे हो तू यहाँ? हाँ पार्टी तो पोपटलाल के घर पे है ना। ओ जेठापरा पार्टी तो पोपू के घर पे ही है, पर सब आ गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आए नहीं तो तुमको लेने के लिए आया हूँ। चलो चलो चलो। ओ नहीं नहीं मैं तैयार हूँ, चलो चलो। ओ एक मिनट बोतल तो ले लो। ए मेन चीज भूल रहा हूँ, बोलो। सॉरी सॉरी। अच्छा अब समझा, बोतल की वजह से मुझे लेने आए नहीं है। और दोनों को एक बात यार, मजा तो यारों के साथ आता है। तेरी जगह मैं तो मैं भी यही करता। अरे दया आई। ओ अच्छा। अरे सोजी भाई। अरे दया भाभी जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। तो बैठिए ना। नहीं नहीं बैठने का टाइम नहीं है दया, वो कहाँ है? वो तो बाहर गया। किसकी बात कर रही है तू? हाँ भूसी की, जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो कौन ला गया दिया पापी जी? गोगी। तुझे गोगी? गोगी पुत्र? हाँ गोगी आया था टप्पू को बुलाने। आप टप्पू की बात कर रहे हैं ना? ओ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं टप्पू की बात नहीं कर रहे। टप्पू नहीं दया, वो संभाल के रखने को दी थी ना वो फ्रांस की बोतल, वो कहाँ है? हाँ हाँ वो तो था? चाहिए? हाँ अभी। हाँ अभी ले। हाँ लाइए। हाँ ला ला। मैं भी डर गया था, मतलब गोगी है क्या? बोतल बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त है ना, अरे मजा आ जाए। लीजिए। थैंक यू। क्यों क्या जेठाबरा, सब ठीक थे? हाँ अरे परवानगी दी उसने, मैं कोई टेंशन नहीं है। चलो ओ जेठाबरा एक मिनट, जरा दीदारे यार तो करा दो। क्या करवाऊं? वो जरा बोतल तो दिखाओ यार एक बार। ओ अरे बहुत जबरदस्त बोतल है सुधीर, पकड़ो। हां दिखाओ दिखाओ, जबरदस्त बोतल है। आराम से आराम से। क्या बॉक्स है? क्या बॉटल है चेतापरा? ओ यार ऐसी बॉटल तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। वो बॉटल देख के नशा हो रहा है, पी के क्या होगा? अरे भाई मुझे कोई काम सौंपता है ना, मैं उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट ही करता हूँ। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका ढक्कन खुला हुआ है? अरे क्या बताऊँ छोटी, बापू जी इसको फ्रांस का अत्तर समझ के बोतल खुलवा रहे थे, तो हैन वक्त पे वो टैक्सी आ गई थी, उसमें बाल बाल बच गया भाई। थैंक गॉड। चल चल निकलते चल। ओए एक मिनट जेठापरा, मैं क्या कहता हूँ, वो ढक्कन अगर खुला ही है तो एक एक लगा के जाते हैं। अरे नहीं नहीं सोनी, सब साथ में पियेंगे ना, क्या साथ में चीयर्स करने का मजा ही कुछ अलग है। ओ ये बात भी है, साथ में मिलके चीयर्स करेंगे। चलो चलो चलो। हाँ बोतल संभाल के रखो, संभाल के। अब कंट्रोल नहीं हो रहा है यार, पकड़ना है पर अब। चलो 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 चलो।
क्या जेठालाल आज भी लेट? अरे भाई प्लीज बाबा आज सासू बड़ा मत करना हा? कल मुई आज भी लेट आई आज सब दोस्त लोग मजा करने के लिए इकट्ठे हुए तो आज फिर एंजॉय करेंगे क्या दोस्तों? ओ यारो चलो सब सेट हो गया अब शुरू करते हैं पार्टी। हाँ शुरू शुरू करो शुरू करो। गीता भाई मुझे जरा चिमटी काटिए ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है या सपना। हाँ जरूर उसमें क्या। अरे काटिए ना जीठा भाई। काट तो रहा हूँ। हाँ कहीं नहीं चल रहा है। ओ कोई गल नहीं जाती प्रा, ओ अभी मैं चिमटी काट दूँ। नहीं नहीं पता चल गया ये सब सच है। वैसे दोस्तों सच कहूँ तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी तकलीफ के बाद अभी हम लोग सब पार्टी खरे खर मना रहे हैं। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा रेगिस्तान पार करने के बाद एक प्यासे को एक पानी का पूरा घड़ा मिल गया हो ना, इतनी खुशी हो रही है। पानी का घड़ा? लो बोलो अय्यर भाई को तो बिना पिए चढ़ गई है एक इंद्रिया गई। क्या इंदिरा गया? ये इंदिरा ना ये इंद्रियो इंद्रिय मंजे। जाओ जाओ समझाओ ना का समझाओ ना का। अरे त्यांचा रॉकेट गेला धगात। अच्छा अच्छा है अपने को क्या है एक आदमी काम उनको अभी देने का नहीं जरूरत ही नहीं ना, उनको तो हो गई अभी। अरे जयदलाल क्या नहीं देने का, मैं भी पिएगा और वो मेरा इंदिरा भी है ठिकाने पे। अरे अय्यर अय्यर जेठालाल मजाक कर रहा है भाई, मिलेगा मिलेगा तुमको भी मिलेगा। जेठालाल तुम क्या बोल रहे थे, रेगिस्तान में अचानक पानी का घड़ा मिल गया मतलब? अरे भाई भिड़े इस बोतल को लाना बिल्कुल ऐसा ही रहा जैसे रेगिस्तान पार करके आते हैं। ये बोतल बाघा लेके आ रहा था तो बाघा बावरी के साथ में था तो ये बोतल बाघा बावरी के स्कूटर पे भूल गया। हाँ फिर बावरी वो बोतल लेके जेठालाल के घर आई। अब वहां चंपक चाचा जी। बावरी बोतल लेके चाचा जी के सामने आ गई। हमारे तो हाथों के तोते उड़ गए भाई, चंपक चाचा जी सामने बाबरी के पास में बोतल, हम क्या जवाब देंगे? और चाचा जी ने जैसे ही बोतल देखी पूछा क्या है भाई इसमें? हमने कह दिया अब फ्रांस का इत्र है। अरे वो कुछ नहीं छोड़ी, उसके बाद चाचा जी बोलते हैं इत्र है तो सुंगाओ। ओह माय गॉड जेठालाल इत्र की बोतल बोलने की क्या जरूरत थी, कोई भी सुनने को मांगेगा ही ना, दूसरा कुछ बोलना चाहिए था। क्या और क्या बोलता? अरे सांगायचं औषध है। कशाची आणि कोणासाठी? क्या हुआ फिर चाचा जी ने सुंगी बोतल? अरे उन्होंने सुंगा होता तभी हम सब बेहोश होते। अरे जेठालाल तुम्हें बावरी के हाथ में बोतल आने ही नहीं देनी चाहिए थी। अरे भाई जानबूझ के थोड़ी आने दी है, वो बाघा की गलती की वजह से बोतल बावरी के पास चली गई। तो बाघा को भेजना ही नहीं चाहिए था। ठीक है अगली बार मैं तुमको भेजूंगा ठीक है। बोलो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा तो मुझे ही ताने मार रहे। अरे भाई एक तो मैंने अंतरराष्ट्रीय बोतल का इंतजाम किया तो मुझे थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे दो बात सुना रहे हो, उसका क्या? ओ जेठारानी देवरानी यहाँ पे इतना सारा काम पड़ा है जो हमें खत्म करना है और तुम दोनों झगड़ा लेके बैठ गई। बोल ले सासू भाई बोल ले। अरे भाई इतनी मुश्किल से पत्नियों से परमिशन मिली है तो अभी झगड़ा करके टाइम क्यों वेस्ट करना है, पार्टी शार्टी शुरू करते हैं ना भाई। सही बात है भाई, सीधे काम की बात करते हैं, पार्टी शार्टी शुरू करते हैं। एक मिनट आते भाई एक मिनट, क्या है कि मौका है माहौल है तो दस्तूर भी बनता है भाई। अब ऐसा माहौल और ऐसे में हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला की कोई रूबा याद नहीं आया ऐसा तो हो नहीं सकता। इरशाद क्या कहा है उन्होंने कि एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किस दिन आम मदरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। अरे बच्चन साहब ने तो मधुशाला में क्या क्या लिखा है,
एक दूसरी रुबाई मुझे उनकी याद आ गई, वो कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि अगर ये दूसरी रजाई नहीं रुबाई रुबाई सॉरी 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 मैं कभी नहीं हूँ ना, आपको भी हो तो आप सही बोल सकते हो, हम तो गलत ही बोलेंगे। कोई बात नहीं, ये जो दूसरी रुबाई है इसको मजा दुगना हो जाएगा अगर हम सबके हाथ में एक एग्जाम भी आ जाएगा। सही बात है। हाँ जेठालाल, अरे वो बोतल तो निकालो, देखे तो सही फ्रांस की बोतल होती कैसे है। अरे पोपटलाल, मैं पहले दरवाजा तो बंद करा। जेठालाल, हमने अपने अपनी वाइफ से परमिशन लिया है, तभी डरने का क्यों? अरे अय्यर भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ कोई भी कभी भी किसी के भी घर पे आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सलामती में ही समझदारी है, क्यों दोस्तों? और वैसे भी ऐसी चीजों का मजा पर्दादारी में आता है। पोपटलाल दरवाजा बंद कर। मैं दरवाजा बंद करूं तब तक आप लोगों ने पीना शुरू कर दिया तो रिस्क ले ही नहीं सकता मैं। नहीं नहीं नहीं, मार दरवाजा के 1 किलोमीटर दूर है क्या? जेठालाल तो दोस्तों जरा तराजू दीजिएगा। तवज्जो तवज्जो। हाँ वो जो भाई क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। ये तो बोतल ऐसे लग रही है जैसे किसी राजा का हीरो से जड़ा मुकुट। क्या बात है यार। अरे भाई मुझे तो देख के नशा चढ़ रहा है। अरे लेकिन ये बोतल तो बहुत बड़ी है। अरे ये तो अच्छी बात है बड़े मास्टर, इतना टेंशन में क्यों बोल रहे हो? नहीं हाथी भाई, एक्चुअली माधु को मैंने बोला था कि 750 ml की बोतल होगी, तो हम लोग के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 peg ही आएगा, इसलिए तो उसने परमिशन दी थी, लेकिन ये बोतल तो बहुत बड़ी निकली, मतलब ज्यादा पीना पड़ेगा क्या? अरे भाई तुम टेंशन मत लो भिड़े, तुम्हें जितनी परमिशन मिले तुम उतनी ही पीना। ओ पिड़ू, ओ सारे यार दोस्त मिलके बैठे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो चलता है यार। और जेड़ा ब्रा, और यार ग्रास बनाना शुरू करो, अब इंतजार नहीं हो रहा। हाँ हाँ जेड़ा, आज की महफिल के साकी तुम। सखी? किसने कहा सखी? अरे सखी नहीं अय्यर भाई, साकी साकी। साकी मतलब? मतलब साकी वो होता है वो जो मीना उठा के। मीना? मीना मतलब? अरे मीना उस कांच के विशिष्ट प्याले को कहते हैं जिसमें ढाल के एक विशिष्ट पदार्थ पिया जाता है। अच्छा अच्छा, साकी वो इंसान होता है जो इस मीना में मद ढाल के हम सबको पिलाता है। तो आज के साकी तुम। और वैसे किसी ने साकी के लिए कहा है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब तू गिरतों को थाम ले साकी। ठीक है मेहता साहब, मैं साकी बनने को तैयार हूँ, लेकिन कहीं मैं गिर पड़ा तो? जेठाल तुम गिरोगे तो हम तुम्हें संभाल लेंगे, तुम कोई हाथी भाई तो हो नहीं कि गिरो और हम संभाल भी ना सके। सही बात है जेठाल भाई, आप जल्दी से गिरो। जेठाल ये बोतल कितने की, मतलब कितना खर्चा हुआ, क्या इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे छोड़ ना भिड़े यार, तो ये हिसाब किताब सब सोसाइटी के ऑफिस में छोड़ के आ पाए। अरे दोस्तों में क्या हिसाब किताब, आज की पार्टी मेरी तरफ से। वाह वाह जेठा, और ये हुई ना जेठा अपना असली बात। ओए जियो यार जियो। ओहो एक तो फिर यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, गोकुलधाम की शान, दया भाभी के पति और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अधिपति जेठालाल चंपकलाल गड़ा यंचा। भाई अब जल्दी से पैक बनाइए। जी जी जी। अरे पोपटलाल म्यूजिक तो चालू करो। हाँ सब 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 तैयार है। एक मिनट तैयारी देखिए। अरे देखो मेहता साहब ये क्या है, हमने बोला था ना इसको शादी के गाने मत बजाना, फिर भी वही बजा रहा है। पोपटलाल तुझे शर्म आती है कि नहीं भाई? एक मिनट अभी बस अभी हो जाएगा, क्या है ना मेरे दिन की शुरुआत इसी गाने से होती है। जी
एंजॉय 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 हो गया बस कुछ पता चला? हाँ चला। हाँ हाँ अरे अरे पोपड़ा लाल अभी पार्टी का मूड बने ऐसा गाना बजाओ। हाँ कुछ जरा एकदम मजेदार तड़कता भड़कता कोई गाना बजाओ भाई, एकदम मूड बन जाना चाहिए। हाँ हाँ देखिए देखिए। ओहो इसे कहते गाना। सखी सखी मर गई तू क्या? सखी सखी कौन? अय्यर भाई सखी नहीं साकी साकी। सॉरी सॉरी साकी साकी मतलब जय जयलाल मेरा पैक कोल्ड ड्रिंक के साथ बनाना। ओके जयलाल मेरे लिए हाफ सोडा हाफ वाटर। ओके कोल्ड ड्रिंक आधा सोडा आधा पानी। मेरा सिर्फ पानी। सिर्फ पानी? खाली पानी? मेरा मतलब है सिर्फ पानी मिक्स करना। ओके कोल्ड ड्रिंक आधा सोडा आधा पानी खाली पानी और बोलो। मैं कोल्ड ड्रिंक और पानी दोनों मिक्स करके लूंगा। पानी और कोल्ड ड्रिंक मिक्स? ओके मेरा ऑन द रॉक्स। ओ पप्पू ये ऑन द रॉक्स है वो तेरे शरीर को सूट नहीं करेगा। अरे भाई मुझे पता है मेरे शरीर को क्या सूट करता है, मुझे जो पीना होगा मैं पीऊंगा। अरे एक मिनट भाई को शाकी को तो बताओ ये उंधी रॉक्स क्या है। मैं बताता हूँ। जैसे अभी कैसे किसी का कोल्ड ड्रिंक के साथ है किसी का सिर्फ पानी के साथ है, वैसे मेरा सिर्फ बर्फ के टुकड़ों के साथ। यहाँ पर बर्फ के टुकड़े मतलब रॉक्स, रॉक्स मानी पत्थर। तो ग्लास में पत्थर डालो क्या बर्फ डालो? जोक्स जोक्स छोटी बराबर है? एकदम बराबर है पर अभी जल्दी करो प्लीज। सोडी को क्या पूछ रहे हो भाई, मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे भाई जिस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हम लोग कतार में खड़े हैं उसी स्कूल के भाई साहब प्रिंसिपल है। तो पूछना तो पड़ेगा ही ना। बराबर ना सोडी? ओ बराबर है बराबर है बराबर है पर तुसी अभी जल्दी करो। आप थोड़ा आप वोटर है जयलाल? हाँ जी। हाँ ये देखो। हाय 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 ये ग्लास तो ग्लास में ढलती हुई ये सुरा। ऐसे माहौल के लिए किसी शायर ने कहा कि उठा के मीना, जो पूछा किसी ने किधर से पहले किधर से पहले, तो सारी महफिल से आवाज आई इधर से पहले। चलो हो गया भाई। भिड़े ये क्या किया? पता नहीं लेकिन ऐसा सब करते इसलिए मैंने भी किया। अरे जो किया वो हो गया आप शुरू करें। आओ यारो। अरे ऐसे कैसे शुरू करो भाई, इतनी महंगी शराब की चार बूंद वेस्ट हो गई। अरे जो चार बूंदे वेस्ट हो गई है ना मैं उसके पैसे तेरे को दे दूंगा पप्पू। ओके बोतल तो जेठा भाई ने लाई है, तुम पोपटलाल को पैसे क्यों दोगे? अच्छा हाथी भाई पैसे मैं ठेठापरा को दे दूंगा। खुश अब शुरू करें। ओहो अरे सॉरी तो जेठालाल को पैसे क्यों देगा? जेठालाल तो खुद बोला ना कि ये पार्टी उसकी तरफ से। Oops.
टेस्ट थोड़ा अलग नहीं है? अलग नहीं, कुछ अजीब लग रहा है। अरे थोड़ा नहीं, बहुत अजीब है। जेठालाल ये क्या लेके आए हो? अरे पाउडर गली के नाके से नहीं लाया हूँ, ये फ्रांस से आई है बोतल भाई। तो थोड़ा इसका टेस्ट तो अलग हो गया ही ना। अच्छा तो? नहीं बा जेठालाल, फ्रांस से बोतल आई है तो फ्रांस की बोतल का तो कहना ही क्या। लेकिन ऑफिस की पार्टीज में कई बार फॉरेन से बॉटल्स आती है और मैंने कई बार ऑफिस की पार्टीज में पिया है, पर टेस्ट इतना अजीब नहीं होता। ये सचमुच अजीब है थोड़ा। आपका क्या कहना है प्रिंसिपल साहब? ओ यारो, आप कोई भी चीज पहली बार पीते हो तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग तो लगता है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे आप उसको ज्यादा पीते हो ना, तो उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है और सब सेट हो जाता है। हाँ, ये बात तो बराबर है सोड़ी। जब मैंने पहली बार पिया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शी बाबा काए है, लेकिन जैसे मामला सिखो गया तो दे बाबा काए आए ऐसे हुआ था। वाह पिड़ू साहब वाह, यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। ओ यारो, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें बड़े प्यार से हमारी बीवियों ने परमिशन दी है। इससे पहले कि वो परमिशन एक्सपायर हो जाए, इस रात का मजा यारों के बीच जरा जम के ले लेते। ओ यारो, टेस्ट बन रहा है ना? हाँ, अंदर ऐसे कुछ कुछ हो रहा है, नहीं? हाँ, मजा तो आ रहा है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आ रहा? हाँ 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 हाँ, हो रहा है, हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, तो जिनकी वजह से आज हम ये पार्टी खुल के मना पा रहे, तो ये जाम अपनी अपनी बीवी के नाम है। अरे भाई, मेरी बीवी नहीं है, मैं किसके नाम पे जाम पीऊंगा? ठीक है फिर तू ना पी। अरे क्या नहीं पीना, मैं अपनी होने वाली बीवी के नाम पे जाम पीऊंगा। तो फिर सवाल ही क्यों कर रहा है यार? पी मिस्टर क्यों करता है भाई? एंजॉय एंजॉय टाइम पास। चलो अरे वाह, क्या छतरी बनाई, मतलब डेकोरेशन मस्त है। थैंक यू। ओह, एकदम खट्टा मीठा मजेदार जूस बनाया अंजलि बाबी, मजा गया बाकी। तो अंजलि बाबी अप्रतिम बनाए। आपको पसंद आया? अरे बहुत ही पूछो ही मत। थैंक यू सो मच। पता है आज खास महिला मंडल मॉकटेल पार्टी के लिए अंजलि मेहता ने ये स्पेशल रेसिपी वाले जूसेस बनाए हैं। अंजलि भाभी, इसमें जो मसाला डाला है ना, उससे टेस्ट और बढ़ गया है। मस्त खटमिट चाहिए। अरे रोशन भाभी, वही तो अंजलि मेहता रेसिपी का सीक्रेट है, जो रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। इन शॉर्ट, मसाले से स्वाद आएगा और ताजे फलों के रस से अपनी सेहत भी बनी रहेगी। रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच अंजलि भाभी। हम लोग यहाँ हेल्दी और टेस्टी जूस पी रहे हैं। पता नहीं वो लोग वहाँ क्या पी रहे होंगे। माधवी भाभी, अभी चिंता छोड़ो नहीं बाबा। नहीं नहीं, मैं चिंता नहीं कर रही हूँ। माधवी भाभी, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो। वहाँ पे वो लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे, तो हम भी एंजॉय करते हैं ना। हाँ। तो इस बात पे चीयर्स हो जाए।
सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषणा करता हूँ कि अभी का जो ये एग्जाम है गोकुलधाम सोसाइटी के हर मेंबर के मेंटेनेंस के नाम। आज तो ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे जन्नत की सैर हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल 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 सही बात है। और पोपटलाल अभी मजा आ रहा है ना? अरे भागशा लक्का मारते तुम्हें मते मते येते बाबा आते दिसत नहीं पोपटलाल। ओ पोपटलाल, ओ पोपटलाल, तुम्हें कुछ पूछ रहे भाई? अभी तो मजा आ रहा है ना? बोला ना। कब बोला? नहीं बोला। नहीं बोला? बोला मजा आ रहा है ना अभी? आ रहा आ रहा आ रहा, मजा आ रहा है, बहुत आ रहा है। सुरूर चढ़ा के रही पोपटलाल, सुरूर। जरूर जरूर। ओहो काफी है मैं। जरूर जरूर। अभी पता चलेगा कितना सुरूर चढ़ा है। चलो विचारू ना। एक मिनट थम्बा जरा, बाकी है भाव। पोपटलाल ये कितनी उंगली है? चार। अरे बाप रे, इसको तो बहुत चढ़ गई है। तीन उंगली को चार बता रहे हो भाई? तीन उंगली दिखाए तो चार बोल रहा है। क्या किया जरा ब्रा? वो बोला था ना पप्पू, तेरे को नहीं सूट करेगा अंदर आओ। हाँ बस बस, अभी इसको ज्यादा मत देना भाई, बहुत हो गई इसको, ज्यादा मत दे। बराबर, नहीं 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 देना चाहिए। अरे क्या नहीं नहीं देना चाहिए भाई? जेठालाल ने चार उंगली दिखाई थी, साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने चार बोला। ऐसा जेठा अभी कंफर्म हो जाएगा, एक बार और दिखाओ भाई। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे एक मिनट भाई, बाजू रहना तुम। पोपटलाल ये कितनी उंगली है? तीन। देखो अभी चार दिखाई तो तीन बोल रहे। नहीं नहीं पोपटलाल, तुम अंदर जाके सो जाओ भाई, चलो। हाँ सो दे, सुला दे, सुला दे। गप्पे, सब समझता हूँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। मुझे कम पिलाने की साजिश है, साजिश। जेठा भाई कीप इट अप, गुड वन, पार्टी इज रॉकिंग। अरे डॉक्टर आदि, अरे तुम किसके साथ में इंग्लिश में बात कर रहे हो? जो तुमने इंग्लिश में बोला है ना, वो अब हिंदी में बोलो, तब जेठा लाल को समझ में आएगा। हेलो। हाँ बोल। जेठल नहीं नहीं एक मिनट, अरे मैंने बात तो करना है, क्या समझ में? जेठल नहीं आए आई इंग्लिश। जेठल ये पद राहिल गाले थी। ए कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? तो ए नॉनसेंस जोकनो, आई सीरियस। ओ तो ये ग्रीन शर्ट व्हाइट चंदला, कब से तुमको बुला रहा हूँ, ध्यान की तरह सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आई इंग्लिश इल्ले, अरे इंग्लिश हमारे भालोबासी खूब। ओके और एग्रीड एग्रीड, यू नो इंग्लिश? नो नो इंग्लिश। अरे जेठालाल, अय्यर के कहने का मतलब ये एग्रीड के वो मान चुका है कि तुम्हें इंग्लिश आती है, यू नो इंग्लिश, ऐसा बोल रहा है वो। बोला नो इंग्लिश, नो इंग्लिश बोला वो, लेकिन इसमें ये एन ओ वाला नो नहीं है, ये के एन ओ डब्ल्यू वाला नो है, वो नो तो कनो होता है।
बिल्कुल कनो होता है, पर वो क्या है, ये थोड़ा नशे में है ना, तो कम मुंह से निकला नहीं बोलना यही चाहता है। वो नो इंग्लिश। सॉरी बैठो। सॉरी कोई बात नहीं। ओके ओके इंग्लिश इंग्लिश। हां बैठो बैठो एक मिनट बैठो। बोलना नहीं। नहीं अरे नहीं, ये विंग सीविंग बाय बाय। बैठो बैठो। बोल पापा जी। अरे पा अरे छोटी छोटी दोस्त आयशा की माई नाता मेरा इलाका। अरे मैं बनाता हूँ सबके लिए ग्लास, तू क्यों बना रहे दोस्त? मैं बनाता हूँ। ओ नहीं नहीं साकी जी, वो आप जो पैग बना रहे हो ना छोटे छोटे से, उसमें मजा नहीं आ रहा है यार। अब मैं बनाता हूँ बड़ा पैग, पटियाला स्टाइल पैग, यानी पटियाला पैग। ओके ओके सॉरी सॉरी। सोड़ी बड़ा बड़ा मेरे लिए डबल पटियाला पैग। डबल पटियाला समझा सोडी? ये ज्यादा पी जाने की साजिश है। पकड़ा 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 पकड़ा। नहीं नहीं नहीं, कोई ज्यादा नहीं पिएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोडी। हाँ भाई, सबको सिंगल ही मिलेगा कंफर्म। हाँ अरे मैं जिंदगी में तो सिंगल हूँ, पैक तो डबल पीने दो। सोडी पोपटलाल इमोशनल हो गया है, दे दो उसको डबल पटियाला पैक। ओ पंचो, ओ आप सबकी क्या राय है, दे दो डबल पटियाला पैक। दे दो दे दो दे दो। ठीक है बाबू, ओ दे दिया तेरे को डबल पटियाला पैक, पर मेरी एक शर्त है। मंजूर है। तेरे को बॉटम सब पीना पड़ेगा। सिंगल सिंगल पटियाला पैक दे। देखो दिन कहते कहते रात पे आ गया, जैसे बॉटम सबका औकात पे आ गया। चलो बना दे पटियाला पैक। यारो अब मजा आ गया, दिल खुश हो गया। सब तुम्हारी वजह से जेठालाल। तुम ये जो फ्रांस से लाए हो ना बोतल, वो शुरू में थोड़ा अजीब लगा लेकिन बाद में मजा आ गया। सही बात है। थैंक यू दोस्तों। मैं क्या कहता हूँ चलो फ्रांस जाते हैं। चलो चलो मजा आएगा मजा आएगा। अरे मजा आ जाएगा, चलो चलो फ्रांस चलते हैं। हाँ जाते जाते, वहाँ पे ये बोतल सस्ती भी होगी, वहाँ की लोकल आइटम है ना ये। क्या बिड़े भाव, जब फ्रांस जाएंगे तो क्या बोतल का भाव देखेंगे, जो भी होगा पिएंगे। दोस्तों आप सबको मैं फ्रांस लेकर जाऊंगा। क्यों? मेरी बारात में पोपटलाल की बारात फ्रांस से निकलेगी। चल बम बोलना मुझे फ्रांस। अभी कुछ शुरू ज्यादा ही हो गया है। हाँ हो गया हो गया हो गया। पोपटलाल ये कितनी उंगली है? फोन किसी का फोन बजा है। मेरा फ्रांस मेरा मेरा एक मिनट मेरा एक मिनट कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। अरे पोपटलाल मैं पत्रकार शेखर बोल रहा हूँ। हाँ तो इस वक्त क्या है भाई, न्यूज देखी कि नहीं तुमने? ये कोई न्यूज देखने का वक्त है?
टाइम पास छोड़ो ना यार। अरे इम्पोर्टेड शराब वाली न्यूज की बात कर रहा हूँ। कौन सी? क्या इम्पोर्टेड? अरे डुप्लीकेट इम्पोर्टेड शराब का बहुत बड़ा जत्था पकड़ा गया है और उसके पीने वालों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। क्या? अरे खतरनाक डुप्लीकेट शराब है, पीने वालों को सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, चक्कर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम होश में तो हो? अरे भाई मेरी बात का यकीन नहीं है तो टीवी चालू करके देख लो, हर न्यूज चैनल पर वही खबर आ रही है। अच्छा, अरे म्यूजिक किसने बंद किया भाई? नहीं करना चाहिए। अरे बाबड़ा लाल टीवी चालू क्यों किया? शादी की कोई सीरियल आ रही होगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और तक मैं हूँ लाइव सिटी हॉस्पिटल से। फ्रांस की जहरीली शराब पीने के कारण मुंबई शहर में मच गया है तहलका। मुंबई शहर में इम्पोर्टेड शराब का एक डुप्लीकेट जत्था पकड़ा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त अस्पताल में कितनी अफरा तफरी मची हुई है, बेहद भगदड़ का माहौल है और सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान। इस शराब को पीने वाले लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। किसी को सर दर्द, किसी को बदन दर्द, किसी को उल्टी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई लोगों को तो अनकॉन्शियस हालत में भी हॉस्पिटल में लाया गया है। वो भी कैसी कैसी शराब पीते हैं। अभी अभी मिली खबर के अनुसार हमें पता चला है कि पुलिस ने इस डुप्लीकेट शराब का एक बहुत ही बड़ा जत्था पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में बेहद सतर्कता दिखाई है और इस वक्त उन्हें खोज है इसके मेन सप्लायर की। इंटरनेशनल शराब के नाम पर बेचा जा रहा है शहर। एक बार गौर से देखिए इस बोतल को, इस बोतल के अंदर है शहर। इस सुंदर दिखने वाली बोतल के अंदर भरी हुई है जहरीली डुप्लीकेट शराब। अगर आपने पी है फ्रांस की डुप्लीकेट जहरीली शराब तो इस वक्त आप न्यूज क्या देख रहे हैं? उठिए और अपने नजदीकी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाइए। उठिए, भागिए। क्या पिला दिया तुमने मुझ मासूम को? अरे भाई पोपट लाल, टीवी में बोतल हमने भी देखी पर वो तो नकली है ना। जरूरी थोड़ी है कि जेठालाल जो बोतल लाया है वो डुप्लीकेट हो, वो तो असली हो सकती है ना। अरे हो सकती है क्या माता साहब, असली है। जेठालाल पहले तुम फोन करके कंफर्म करो भाई। अरे मैं अभी भी कह रहा हूँ कंफर्म करना छोड़ो और अस्पताल चलो। एक मिनट जेठालाल भाई, उन पीना साहब को फोन कर दो ना, मालूम पड़ जाएगा, कंफर्म कर लो। सीना साहब। अरे उसमें मेरी कोई गलती नहीं है पर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट में बाद में फोन करता हूँ। हेलो सिन्हा साहब। अरे जेठालाल मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्यों? जो मैंने शराब की बोतल भिजवाई थी उसमें से तुमने पी तो नहीं? क्यों? अरे क्या बताऊं जेठालाल, वो शराब डुप्लीकेट है, बहुत जहरीली है। अब किसी ने मुझे सप्लाई कर दी थी, सप्लायर को पुलिस ढूंढ रही है और जिन जिन लोगों ने ये शराब पिए सबको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। क्या? क्या हुआ? हम तो पूरे बोतल पी गए। हम मतलब अरे जेठालाल वो बहुत जहरीली शराब है, जिन जिन ने वो शराब पिए सबको लेके हॉस्पिटल जाओ। जेठालाल अभी फोन पे बात करके टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी हॉस्पिटल जाओ। क्या हुआ? बोला ना बोतल में जहरीली शराब थी। मेरा तो पूरा मंच खत्म हो गया।
पैसे की माफ कर दो, गलती हो गई। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं, बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, मेरे को तो एकदम अनइजी फीलिंग हो रहा है। मुझे भी कुछ हो रहा है, पेट में जलन हो रही है। मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाथी भाई ने आंखें बंद कर ली। हाथी भाई अभी हूँ, दवाई सोच रहा हूँ। अरे अभी सोचना छोड़ो, सुना नहीं उन्होंने क्या, जिन्होंने जहरीली शराब पी है, हॉस्पिटल भागो। मैं गड्डी निकालता हूँ, सब लोग फटाफट हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं, गड्डी नहीं निकाल सकते भाई, तुमने ड्रिंक किया है, कानून के खिलाफ है, पर तो फाइन भी बहुत बढ़ गया है। अरे सोडी, कानून की बात तो बात की है, ऐसी जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो मुझसे कौन शादी करेगा? अरे इतने सालों से आंखों की रोशनी थी तो भी कौन शादी कर रहा था? अरे पप्पू, यहाँ पे हम लोगों की जान पे बनी हुई है और तुझे अपनी शादी की पड़ी हुई है। यारो एक काम करते हैं, गड्डी में नहीं जा सकते तो दौड़ के जाते हैं। नहीं नहीं सोडी, ऐसे दौड़ के भी नहीं जा सकते। क्यों, इधर दौड़ के जाना भी कानून के खिलाफ है। अरे सोडी, बात कानून की नहीं है, ऐसी जहरीली शराब पी के हम नहीं भाग सकते, कुछ भी हो सकता है, बेहोश हो सकते हैं, बीपीआई हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। हाथी भाई, फिर तुसी दसो कि हम लोग हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? छोड़ी, मैं अभी फोन करता हूँ और एम्बुलेंस का इंतजाम करता हूँ। जल्दी करो और जल्दी करो यार। हेलो, मैं गोकुलधाम से डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। बोलिए डॉक्टर हाथी। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ इमरजेंसी आ गई है, जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई है। ओह माय गॉड, डॉक्टर वर्मा, आप अभी के अभी 4-5 एम्बुलेंस लेके गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं। डोंट वरी डॉक्टर हाथी, लकीली एम्बुलेंस अवेलेबल है, जल्द से जल्द मैं एम्बुलेंस लेके गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचता हूं। थैंक यू, प्लीज कम सून। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे ही? बोलिए इंस्पेक्टर सर। अच्छा ये बताओ, आपके अस्पताल में कोई जहरीली शराब का केस आया है क्या? हाँ, अभी गोकुलधाम सोसाइटी से एम्बुलेंस के लिए फोन आया था। अच्छा, वहाँ पे डुप्लीकेट शराब पीने से कुछ लोगों की हालत बहुत खराब है। ओह माय गॉड, और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके, गोकुलधाम सोसाइटी। 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है। किसको फोन लगा रहे? बबीता को। क्यों? अरे उसको बताना पड़ेगा ना कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा हूँ। अरे अय्यर भाई, पागल हो गए हो क्या? सबको पता चल जाएगा तो टेंशन हो जाएगी ना। सही बात है अय्यर भाई, एक बार हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं फिर सब अपने अपने घर पे फोन कर लेंगे वहाँ से। सही बात है। मैं किसको फोन करूंगा? तुम अपने घर पे फोन मत करना, कोई नहीं उठाएगा। हाथी भाई कब आएगी एम्बुलेंस? अरे आती होगी भाई, आती होगी। कहाँ से आ रही है हाथी भाई? जीवन ज्योत हॉस्पिटल से। अरे एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई तो हमारी ज्योत बुझ जाएगी। अरे ऐसा मत बोलो जेठालाल, गणपति बाप्पा मोरिया, एम्बुलेंस वाला ना लौक कर यार। हाथी भाई, ये जीवन ज्योत हॉस्पिटल है कहाँ, कितनी दूर है? यही पास में ही है। अरे मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, हम लोगों को कुछ होना चाहे। हाथी भाई, मेरे सीने में दर्द बढ़ रहा है, कब आएगी एम्बुलेंस? अरे पोपटलाल, एम्बुलेंस से कोई हवाई जहाज नहीं जो उड़ के आ जाएगा, आती होगी भाई, सफर करो। अरे आओ आओ, जल्दी।
ये सायरन तो एम्बुलेंस का है, हमारी सोसाइटी में एम्बुलेंस। आपकी बात बराबर है, हम लोग भी इमरजेंसी के लिए आए हैं। एम्बुलेंस की आवाज इस वक्त। एम्बुलेंस, माय गॉड, मुझे ज्यादा डर है भाई, मुझे ज्यादा तकलीफ है। अरे अरे आप लोग क्यों उठा रहे हैं, आप लोगों को भी लगा। अरे चलो देख के रहो भाई, मैं ही पेशेंट हूं, उठाओ उठाओ। ठीक है आप लेटिए, मैं लेट रहा हूं, तुम लेट जाओ। नहीं आप तुम दोनों बैठते हैं, लेटते नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो मैं उठा, एक काम करते हैं, उठा उठा। अरे आते मैं, अरे आते मैं, एम्बुलेंस का सायरन, सब ठीक तो है ना? जाओ तो। रुको 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 रुको, पीछे हाथी भाई रह गए हमारे। उठा उठा जल्दी उठा, उठा हाथी भाई भी आ जाइए। क्या कर रहा है? रुको 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 रुको। Oh my God! हाथी भाई, तुसी मेरे स्ट्रेचर पे आ जाओ, जाओ। अरे भाई मैं किसी भी स्ट्रेचर पे आ जाऊं, फिर भी दो लोगों को स्ट्रेचर तो कम ही पड़ेंगे ना। अरे भाई तो सात पेशेंट के बीच में पांच स्ट्रेचर। अरे बाप रे, इतनी सारी एम्बुलेंस? पर पांच भी नहीं, सिर्फ चार स्ट्रेचर थे, पांचवा तो इनकी साजिश की वजह से बन गया। ओ कुड़े हाथी भाई, ये कैसी एम्बुलेंस बुक की आपने? अरे तुमको क्या तकलीफ है, तुमने तो अपना स्ट्रेचर बगल में दबोच ही लिया है ना। अरे देवो, जाओ जरा, जाओ लेट जाओ। डॉक्टर हाथी, पेशेंट कहाँ? भाई हम सभी पेशेंट। ओह माय गॉड, हंस क्या हुआ होगा? हाँ डॉक्टर वर्मा, हम सब ने गलती से जहरीली शराब पी ली है। तो आप लोग खड़े क्यों हो? जल्दी चलिए, जल्दी एम्बुलेंस में बैठ जाइए।